बीना बाजार बहेड़ी गली नंबर 4 में फैजुल भाई की दुकान फैशन महल क्लॉथ स्टोर। हैंडलूम के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। एक 10 साल की बच्ची नमरा सहित दो लोग घायल हुए और पड़ोस की दुकानों में भी भारी नुकसान हुआ। बहेड़ी फायर स्टेशन भयानक आग बुझाने में हुआ फेल। अगर बहेड़ी फायर स्टेशन में व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो अग्निकांड पर काबू पाया जा सकता था। बहेड़ी कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को बरेली सूचना न दी होती तो बीना बाजार की कई और दुकानें आग की चपेट में आ जाती। फायर ब्रिगेड के अधिकारी दो गाड़ियां लेकर रात 3 बजे बहेड़ी पहुंचे। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, परंतु तब तक फैजुल की दुकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो चुका था और आसपास की दुकानों में भी भारी नुकसान हो चुका था। इस संबंध में बहेड़ी व्यापार मंडल अध्यक्ष सलीम रहवर से बात की तब उन्होंने बताया। बरेली से अनीता देवी की रिपोर्ट। आज हमारे बहेड़ी शहर के मीना बाजार में फिर एक पुनरावृत्ति अग्निकांड के रूप में हुई है, जिसमें एक हमारे व्यापारी फैशन महल क्लॉथ स्टोर एंड फैशन हैंडलूम के मालिक फैजुल हसन तौफीक अहमद का बहुत बड़ा आज के अग्निकांड में नुकसान हुआ है। और बार बार हमारे द्वारा ये मांग उठाई जाती रही कि फायर स्टेशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आज फिर यही हुआ कि रात को 11 बजे के करीब इस अग्निकांड की सूचना मिली। हमने इसकी सूचना तुरंत फायर स्टेशन पे दी। बहुत देर के बाद तो फायर स्टेशन का एक नंबर उठा, बात हुई, लेकिन जिन सज्जन ने बात की वो होश में नहीं थे, पूरी तरह से नशे में थे। 1 घंटा 10 मिनट लेट गाड़ी पर पहुंची, जो सिर्फ फायर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे घटनास्थल है। 1 घंटा 10 मिनट के बाद भी जो ड्राइवर गाड़ी पे होना चाहिए था वो नहीं था, बल्कि एक कांस्टेबल सुनील नाम के उस गाड़ी को चला के लाए थे और जो गाड़ी खड़ी करके वो भी गायब हो गए। पानी जब उसका चालू किया गया, पाइप वहाँ तक पहुँचाया गया, तो हाउस पाइप पूरी तरह से फटा हुआ था और पानी की सप्लाई बाधित रही। पानी उस गाड़ी से नहीं पहुँचा। उस गाड़ी को फिर लोगों ने, जब पानी नहीं पहुँचा तो हमारी पुलिस के लोग, हमारे कोतवाल बहेड़ी SSI महोदय पूरी टीम के साथ, पूरी तत्परता के साथ वहाँ लगे थे। वो बार बार कंट्रोल रूम को सूचना दे रहे थे। बहुत मशक्क़त के बाद में फिर बरेली ज़िला मुख्यालय से वहाँ के चीफ फायर ऑफिसर वहाँ मौके पे 2 गाड़ियाँ लेके 8,000 लीटर की पहुँचे और 3 बजे रात तक उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद वहाँ काबू पाया। हमारी एक ही डिमांड है कि जो बहेड़ी की गाड़ी है वो जर्जर स्थिति में है, किसी भी तरह से किसी भी घटना स्थल पे आज तक उसमें किसी का कोई अग्निकांड पे काबू नहीं पाया है। रात भी यही हुआ कि उसमें पानी नहीं था। फिर दूसरी गाड़ी बहेड़ी की आई जो 2,500 लीटर पानी की है, उसने 2-3 मिनट में उस पानी का इस्तेमाल कर लिया, पानी कितना था नहीं पता। उसके बाद वो इतना भी उनको नहीं आता है कि आगे से गाड़ी को मोड़ के और नगरपालिका के हाइड्रेंट पॉइंट पे लेके जाना था पानी भरने, वो वहाँ नहीं पहुँचे, बल्कि वो गाड़ी को बैक करके लेके गए और जिसको जाते जाते भी उन्होंने 20 से 25 मिनट बैक करके नगरपालिका तक जाने में लगा दिया। वहाँ से फिर पानी भर के लाए, तब भी उस गाड़ी के पानी से कुछ नहीं हुआ। हम धन्यवाद अपने ज़िले के अधिकारियों का जो जिन्होंने तत्परता से इस काम को किया और ज़िले के हमारे अधिकारी ने 2 गाड़ियाँ यहाँ लेके मौके पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, जो पूरे फायर प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ थे। हमारी बहेड़ी की जो टीम है, बहेड़ी के जो फायर सर्विस स्टेशन है उसके जो अधिकारी हैं, वो 2 गाड़ियाँ यहाँ, लेकिन हमें लगता है कि 2-3 ही लोग यहाँ रहते हैं, ना मौके पर ड्राइवर रहता है। एक जगह दे के वहाँ बनाया स्थायी तौर पर शहर के लिए, वहाँ पानी की भी व्यवस्था है और शहर में होने वाले अग्निकांड पे बहुत तेज़ी से गाड़ी पहुंचने के बाद काबू पाया जा सकता है। मेरा पुनः ये आग्रह है व्यापार मंडल के जिम्मेदार होने के नाते कि आज रात हुई इस घटना पे व्यापारी का पूरा परिवार ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से उसका कारोबार ख़त्म हो गया है, परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। वैसे ही व्यापारी हमारा 1.5 साल से लॉकडाउन में टूटा हुआ है, इसमें प्रशासन उसको मुनासिब मुआवजा दे और कार्रवाई तुरंत करें, यही हमारी प्रशासन से मांग है।